सारे गोल्ड लाइक के फिन, गोल्ड लाइक के डीपी लगा के फुल, एकदम फुल सपोर्ट भाई। भाई डीपी लगा लो सब, मैं भी लगा लूं क्या? डीपी में सब में गॉड लाइक का वो लगा हुआ है, वो नाइस यार। वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। एंड वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं लॉल्स गेमिंग के साथ। सो लॉल्स गेमिंग रिसेंटली जब लाइव होते हैं तो यहाँ पर वो एक डोनेशन की बात करते हुए नजर आ जाते हैं। एंड वो किस चीज के रिगार्डिंग है एंड वो डोनेशन क्या है, उस चीज को ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। 15 दिन तक मैं नहीं लगा रहा गेम पे पैसा। अभी क्या है बताए, हमारे यहाँ पे माताना मठ पे पैदल चलने वाले पदयात्री शुरू हो जाएंगे, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छा खासा अमाउंट का डोनेशन करूँ ऑफ फूड एंड ऑल, ऑन रोड्स, पानी हो गया, ये हो गया, जो भी रहेगा वो करूँगा मैं। तो अभी No investment in money. वही रिसेंटली जब थग लाइव होते हैं तो वो काफी सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे हेक्टर वर्सेस ओमेगा वाले सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम्स थी। हेक्टर वर्सेस ओमेगा, पीएम भाई देखो, दिस सिक्स पीपल स्पेंड द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स टुगेदर, ठीक है। सब अलग अलग घर से आए, अलग अलग बैकग्राउंड से आए, एक टीम बने, फिर आगे वो टीम कंटिन्यू भी करे, पहले दूसरे टीम में थे, फिर आई थिंक सोल में आके उनका एक लाइनअप बना, फिर वो आगे सीजी गए। देखो प्रॉब्लम्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी नहीं होंगी, ठीक है। एंड इट्स ऑलवेज फाइन टू हैव प्रॉब्लम्स, सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। आई जस्ट होप कि खुश रहे जो जहां पे है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड, जो भी जहाँ पे रहे, चारों पांचों छहों प्लेयर सब खुश रहे। प्लस उनसे पूछा जाता है कि आईक्यू सोल जैसे कि अभी क्वालिफाई नहीं करी है बीएमपीएस के लिए, तो क्या आईक्यू ब्रांड पर इस चीज का इफेक्ट पड़ा है, एंड अगर इफेक्ट पड़ा है देन कितना इफेक्ट पड़ा है? सोल नॉट क्वालिफाई, आईक्यू बीएमपीएस इफेक्ट ब्रांड। देव तिवारी, डेफिनेटली इट ऑलवेज अफेक्ट्स ई स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स, बट बिकॉज वी रिसेंटली वॉन बीजीएमएस, वी डिड प्रीटी गुड इन ESL Snapdragon वो, और फिर मैं, मेरे पास एक लिस्ट है, फिर छोटे मोटे बीच में थर्ड पार्टी इवेंट्स हुए थे उसमें भी डिसेंट परफॉर्मेंस था। आई थिंक इट्स लाइक फाइन, वी आर गुड। वही वीडियो में आगे बढ़े तो मवी यहाँ पर ओपनली बात करते हुए नजर आ जाते हैं काफी सारी चीजों के बारे में, जैसे जी डिस्पेंड क्यों हुई, उनकी न्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या रहने वाली है, एंड यहाँ पर वो गॉड लाइक फैंस को कुछ एडवाइस देते हुए भी नजर आ जाते हैं। लोग हम और जीई इवन प्लेयर्स आल्सो, हम लोग जीई के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे आगे, क्योंकि ऋषि भाई और हमारी काफ़ी लंबी बात हुई है इस बारे में भी, वो भी BGIS के टाइम से हो गई थी, वो भी पहले से हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, काफ़ी इकट्ठे रहे। अगर थोड़ा सा ओपनली बोला जाए तो जितना मुझे नॉलेज है, तो देखो हम लोगों ने काफ़ी टाइम ट्राई किया बट चीज़ें मोनिटाइज नहीं हो पा रही थी फॉर जी, तो दे डिसाइडेड कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नई ऑर्ग का गाइस ऐसा है कि नई ऑर्ग हम लोग अभी कुछ प्लान नहीं किए हैं कि कौन सी ऑर्ग ज्वाइन करनी है कौन सी नहीं करनी है। हम लोग वही ऑर्ग ज्वाइन करेंगे जिसका प्लान होगा लॉन्ग रन चलने के लिए। अगर लॉन्ग रन चलने के लिए किसी ऑर्ग का प्लान नहीं होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ऑर्ग नहीं ज्वाइन करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए हम ऑर्ग नहीं ज्वाइन करेंगे, ना ही हम करते हैं। हम कभी भी ऑर्ग अपनी साइड से नहीं छोड़ते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आर करियर हम कोई भी ऑर्ग अपनी साइड से नहीं छोड़ते। पहले वाली ऑर्ग हमें इसलिए छोड़नी पड़ी कि दो बार गेम बंद हो गया और इस बार थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम थोड़ी सी। जी डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन बीजीएमएस, ये सब आपको ऋषि भाई अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे। जो हमारी बात हुई है वो ये हो पाई है कि सीधे शब्दों में बोलूं या घुमा के बोलूं तो समझ, तो सीधे शब्दों में ये है कि वो लोग नहीं फिगर आउट, हम लोग आपस में मिलकर नहीं फिगर आउट कर पाए कि जितना पैसा हम पे पर्सनली स्पेंड हो रहा है वो कैसे कमाया जाए। देखो काफ़ी टाइम से हमारी टीम में दिक्कतें चल रही थी, छोटी दिक्कतें, मतलब कोई बड़ी दिक्कत नहीं, छोटी छोटी नोकझोंक चल रही थी, नॉट मतलब टीममेट, एक छोटी छोटी दिक्कतें जो होती हैं, मतलब तुम ऐसा बोल लो कि हम लोगों के थोड़े गोल्स थोड़े थोड़े अलग थे, तो थोड़े थोड़े गोल्स अलग थे जिसकी वजह से 3-4 महीने से हमारी दिक्कतें चल रही थी, वो थोड़ी थोड़ी ड्रैग होती आई एट द एंड वी गॉट द रिजल्ट। और उसमें कुछ ऐसा, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमारी टीममेट्स में कोई लड़ाई हुई या कोई बहस हुई, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे थोड़े थोड़े गोल्स अलग थे सबके, तो उस वजह से थोड़ा हो गया, चोको मिल गया। लाइनअप टूटेगा तो नहीं, नहीं गाइस लाइनअप का देखो अपडेट ये है कि
हम लोग अपने अपने रास्ते को निकल लिए हैं, तो हम लोग टीम ने, हम लोगों ने म्यूचुअली सबने मिलकर डिसाइड किया है, ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था, अब से नहीं, बीजेएस से थोड़े इनवाइट्स आ गए और हमें इकट्ठे खेलना पड़ गया, तो इसकी वजह से थोड़ी चीज़ें ड्रैग हो गई, बट हम लोगों ने ये डिसीजन पहले ही ले लेना था। एक तुम्हें और चीज़ बताता हूँ, तुम लोगों मतलब तुम लोग कुछ लोगों ने अपना हेट रेट का धंधा ही, मतलब उनका माइंडसेट ही ये बन गया है कि सबको हेट ही देना है। हमारा छोड़ दो, सोल लास्ट टूर्नामेंट जीती थी, तुम लोगों ने उनको एक ही टूर्नामेंट से जज करके भर भी दिया। क्या तुम लोग इतने भी मैच्योर नहीं हो कि तुम ऐसे फैंस हो क्या तुम? एक टीम उस टाइम जीत गई और एक टूर्नामेंट में अगर दो चार पॉइंट से रह गई और उनको भर दो, क्या हमें नहीं मतलब प्लेयर्स को, सब प्लेयर्स, क्या सब प्लेयर्स को अपने फैन फॉलोइंग से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए? और हाँ, स्पेशली जो लोग मेरे को, मैं मतलब मोस्ट ऑफली मेरे को पता होता है कौन से लोग हैं कौन से नहीं। गॉडल फैंस के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, हम भी डाउनफॉल में थे, आप भी 3 साल से डाउनफॉल में हो, अभी क्वालिफाई हुए हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपनी टीम को। मुझे भरना, हमारी टीम को भरना, हमारे पे बजना, वो सब बंद करो, अपनी टीम को सपोर्ट करो ताकि वो जीतने के लिए मेहनत कर पाएं, और तुम लोग उनको पॉजिटिव एक इम्पैक्ट डालो उन पे, ताकि उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए कि तुम लोग उनको सपोर्ट करते हो, क्योंकि भरने तो चले जाते हो ना सबको, भर तो दिया तुमने 3 साल उनको, अब थोड़ा सपोर्ट कर लो उनको, हमें बजने की जगह, हमारे पास बजने की जगह उनको सपोर्ट कर दो, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे तुम्हें भी अच्छा फील होगा, उनको भी बेचारों को अच्छा फील होगा। खुशखबरी देता हूँ एक, जो लोग खुश हो रहे थे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, हम लोग कोई रिटायरमेंट नहीं ले रहे, जो गलतियाँ हम लोग पास्ट में कर रहे थे वो नहीं करेंगे। उन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स के साथ साथ कॉन्टेंट एंड ऑल पे फोकस नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। पिछले 2 साल से हमने शट डाउन रखा था, हमने बिल्कुल अपने अकाउंट में कोई पैसा आने नहीं दिया, जो हमें आता तो हम थोड़ा खुश रहते, हमारा थोड़ा घर चल पाता, तो हम लोग वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे, उसमें हम लोग पूरी अपनी मेहनत करेंगे, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं और मैं इतना छोटा भी नहीं हूं कि मैं रिस्की मूव्स लेता रहूं। आज मैं ईस्पोर्ट्स अपनी, देखो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो सेटिस्फाई मुझे करनी थी, वो मैंने कर दी, वो मैंने बीजेएस के पहले भी और बीजेएस में आके मेरी ईगो और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सेटिस्फाई हो गई, जिसकी वजह से मैं सब कुछ छोड़ के बैठा था, मैं कंटेंट नहीं करता था, मैं तुम लोगों के सामने नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, उस चीज़ में बहुत मेरे को लॉस हुआ, मेरे साथ वाले बहुत डिसअपॉइंट हुए, मैं जिनके साथ ज्वाइन हूँ वो सब डिसअपॉइंट हुए कि तू क्यों काम नहीं करता, बट यस मेरी एक ईगो थी, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसे मुझे करके दिखाना था, वो मैंने कर लिया। आगे भी हम लोग अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलते रहेंगे, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है, हमें टूर्नामेंट खेलने में सच में मजा भी आता है, सारे नहीं, ये चिंदी पिंदी नहीं, छोटे मोटे नहीं, बट हमें अच्छे टूर्नामेंट खेल के मजा आता है। बाकी ऑस्टिन एक्स गेमिंग से रिसेंटली ये पूछा जाता है कि क्या जोनाथन इंडिया में रह करके भी, इंडिया में खेल के भी यूनिवर्सल एमवीपी है? देन ऑस्टिन एक्स इस चीज के ऊपर रिप्लाई देते हुए नजर आ जाते हैं। देखो भाई, इसमें ना मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा कि जैसे 2018 के टाइम से 2020 या उससे भी ज़्यादा कि जितने सारे ऑफिशियल इवेंट्स होते थे ना, उसमें हमेशा का मतलब हमेशा एमबीपी रहा है, मतलब वो एक ऑरा था बिल्कुल, उसने और एक ऑरा सेट करके रखा था, उसने एक बेंचमार्क सेट करके रखा था, ठीक है, तो उस तब बोला जाता था कि यूनिवर्सल एमबीपी है, ओके। एंड अगर बीएमपीएस में भी अगर फिर से एमबीपी बन जाता है, देन आई एम गोना से कि वापस एमबीपी बनने, मतलब वापस एमबीपी आ चुका है, मतलब वो वाला फॉर्म आ चुका है, यूनिवर्सल फॉर्म आ चुका है, मतलब ओके। एंड आई थिंक वापस से तोड़ना चालू कर देगा। बीएमपीएस व्लॉग्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड मोगैम्बो खेल व्लॉग में रिसेंटली यहाँ पर सारंग मिलते हुए नजर आ जाते हैं सिम से। अभी अब जिनको नहीं पता कि ये चीज इतनी हाईलाइटेड क्यों हो रही है, वेल सिम्प ने यहाँ पर सारंग को कैंपर बोला था, एंड ये चीज आपको याद होगी हैवान के व्लॉग में हमें देखने को मिली थी। उस चीज के बाद इनके बीच एक लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट राइट सिनेरियो में देखने को मिला था, एंड उसके बाद हमें ये लैंड पर देखने को मिले, एंड वो मोमेंट ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अरे मस्ती कर रहे भाई यार, मस्ती कर रहे यार। ओए पकड़ लिया था सिम को, अभी कैंपर बोल रहा था ना भाई। यार ये चीज तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोली है कि यार जो राइवलरीज होती हैं, जो फाइट्स होती हैं, वो बस ऑनलाइन रहती हैं, जब लैन पे लोग मिलते हैं देन दे आर लाइक ब्रदर्स फ्रेंड्स एंड चिल करते हैं यार सब। बाकी वही हम बात कर लेते हैं एक इनिशिएटिव के बारे में।
सो एक इनिशिएटिव हमें देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद आपको कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है गॉड लाइक फैंस ने अपनी टीम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए बीएमपीएस में। एंड सभी गॉड लाइक फैंस यार गॉड लाइक की डीपी लगा रहे हैं अपने प्रोफाइल पर टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड लव टुवर्ड्स गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स। एंड ऐसे काफी सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि गॉड लाइक की डीपी लगाओ। एंड सच कहूं तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ गॉड लाइक फैंस ही देखने को मिल रहे हैं। सारे गॉड लाइक के फिन गॉड लाइक की डीपी लगा के फुल एकदम फुल सपोर्ट भाई। भाई डीपी लगा लो सब, मैं भी लगा लूं क्या? डीपी में सब में गॉड लाइक का वो लगा हुआ है, ओह नाइस यार। एंड गॉड लाइक का बीएमपीएस जीतना कितना ज्यादा जरूरी है, वेल इस चीज के बारे में फिक्सेस बात करते हुए नजर आ जाते हैं। प्लस जीतना जरूरी से बढ़कर के एक ये चीज भी है कि अगर गॉड लाइक बीएमपीएस जीतती है देन ई-स्पोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो और आगे बढ़ते हुए नजर आ जाएगी। उसका एक प्रैक्टिकल रीजन देते हुए कुछ ये बोलते हैं। जो आप वेन्यू लेते हो, मान लो लैन तुम 3 दिन का करा रहे हो, पर डे कोई मिनिमम मतलब एक नॉर्मल से वेन्यू पे भी 40-50 लाख तो लगते ही है पर डे। सिर्फ बुकिंग का अगर दिल्ली में बोल दो, सिर्फ बुकिंग का एक लैन का 30-40, 30-45 लाख तो लगता है अगर एक बड़ा स्टेडियम हो, ठीक है? तो मल्टीप्लाई दैट विथ 3 एंड देन वहां पे ऑडियंस को लिए संभालने के लिए सिक्योरिटी, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा कपल ऑफ क्रोर्स। तो इट्स नॉट दैट इजी अनलेस एंड अंटिल अ वेरी बिग स्पॉन्सर कम्स इन फ्यूचर देखने मिल सकता है। आई थिंक नॉर्डविन्स कैपेबल। It's not about Nordwin being capable. It's about new sponsors coming in. It's about sponsors paying that much money. और sponsors कब आएंगे जब game की उतनी viewership रहेगी? For which Godlike का ये BMPS जितना बहुत जरूरी है। Imagine Godlike wins this BMPS. वापस से जितने भी you know सोए हुए Godlike fans थे वो भी जग जाएंगे। Tournament में रौनक आएगी, बाहर आएगी। Seoul Godlike का rivalry spark होगा। We'll go back to that पुराना वाला era. ठीक है, so much is going to happen if Godlike wins it. बाकी इस पर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Signing off.